कांदे को काटा, पहले भिंडी को काट, भिंडी को काट, इतना इतना ही काट, वो जो क्यूब होता है ना, इतना 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 काटना। चलो फिर जैकी सरोफ सर ने जो बताया उसे जल्दी से फॉलो करते हैं। तो भिंडी को मैंने इतना 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 क्यूब जैसा काट लिया है ताकि हम उनके स्टाइल की भिंडी मसाला बना पाए। ऑलमोस्ट हमारी भिंडी कट गई। अब कांदे को अपने को काटने का चौकंडी, चौकंडी मतलब क्यूब। चलो अब कांदा मतलब प्याज को भी हमें काट लेना है चौकंडी, चौकंडी मतलब क्यूब, आप लोगों को पता है ना। तो जैसे मैं काट रही हूँ ना वैसे क्यूब स्टाइल में इसे काट दो, और बहुत ही अच्छे से मैंने सिर्फ एक ही यहाँ पर प्याज काटा है। और उसको बाजू में रखने का, पानी में रखने का, क्योंकि ऊपर खुला रखेंगे ना तो सुना है उसके ऊपर बैक्टीरिया बैठ जाते। अब आपने सुन लिया ना बैक्टीरिया बैठ जाते, तो जल्दी से प्याज को डाल दो पानी में, सीधा ऑयल के अंदर, जो अच्छा ऑयल मिले आज बिना मिलावट के उसमें डाल देना। अब मुझे तो नहीं पता इसमें मिलावट है कि नहीं, तो मैंने यहाँ पर सफोला का ऑयल यूज किया, फिर उसमें यहाँ पर बीच में डाला मैंने प्याज, और साइड साइड में ये भिंडी को फैला दिया जैसे उन्होंने बताया। कांदा भिंडी सूखा होता है तो उसको हिलाने का नहीं, सूखा भिंडी बनाना है ना तो हिलाना बिल्कुल नहीं, उसको सही का वैसे छिड़कने का। अगर उसके अंदर तेरे को लहसुन डालने का है, तुम लोग के मूड में है तो डालना, एक डालना। हाँ मैं लहसुन डालने के मूड में तो हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक लहसुन लिया और उसे बस ऐसे छोटा छोटा सा चॉप करके इसमें डाल लिया। आप चाहो तो यहाँ पर लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हो। नहीं नहीं पेस्ट नहीं चलेगा, फिर उसमें थोड़ा सा नमक तो डाल ही लेना। मस्के की तरह एकदम ऐसा हो जाएगा, उसके बाद निकाल और फिर तेरे मूड में कैसे खाने का, भाकरी के साथ खा, भाकरी के साथ ही खा। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है और भिंडी बढ़िया से कुरकुरी भी लग रही है, मतलब इतनी ज्यादा फ्राई नहीं किया उन्होंने, तो बस मैंने इसे रोटी के साथ खाया। भाकरी तो मुझे नहीं पता क्या होता है, और इसे खाने के बाद मुझे नहीं पता था और इतना टेस्टी आएगा, मतलब इतनी सिंपल और सच में बहुत टेस्टी थी। एनीवे कांदा भिंडी समझ गया ना, कुछ नहीं है, तेल रखने का, क्यों रख देने का क्यूब, ये रखा कांदा, ये रखा उसके आजू बाजू भिंडी, और उसको हिलाया नहीं, थोड़ी देर में वो सेकेगा, सीज जाएगा, प्यार से निकाल के पॉट में डालने का, फिर सो जाने का।